अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ नईम। आज हम बनाएंगे क्रीमी पोटैटो मस्टर्ड सैलड। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत क्रीमी और टेस्टी है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, येलो मस्टर्ड, वाइट विनीगर, ऑलिव ऑयल बहुत ज़रूरी है, मायोनीज, क्रीम कोई भी ले सकते हैं, मिल्क पैक ले लें कोई भी क्रीम, कैरेट, पार्सले, बेबी पोटैटो मैंने बॉईल किए हुए हैं, बॉईल करके रखे थे मैंने, कूल कर लिए हैं, ठंडे कर लिए हैं और उसी कटिंग कर रहा हूँ। आप ये बनाएं और मुझे बताएं कैसी लगी ये रेसिपी आपको। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करें। ये सब पोटैटोज मैंने काट लिए हैं। बेबी पोटैटो कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इतने महंगे नहीं हैं। आप रेसिपी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये कैरेट मैंने जूलियन की हुई थी, इसे सेंटर से मैंने काट कर इन पोटैटोज में ऐड कर दिया। जी जब मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्रीम यूज़ की है ऑलमोस्ट 4 से 5 टेबलस्पून है, और मेयोनीज भी सेम क्वांटिटी में है। येलो मस्टर्ड मैंने लिया 1 टीस्पून भर के, वाइट विनीगर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून है, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकती हैं, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया बराबर की, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया, और इसे अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और अच्छे से फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी तो बिल्कुल लगेगा ना। आप ये ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी रेसिपी आपको मेरी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है लाइक शेयर करना। ये देखिए मैं डिश आउट कर रहा हूँ, वेरी इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की, क्रीमी और मस्टर्ड का फ्लेवर जो है ना वो बहुत औसम है। आप टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी है सब की ये जो रेसिपी है, कैसी लगी है आपको पोटैटो मस्टर्ड रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त है जी, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू सो मच लाइक शेयर करने के लिए। मेरी बाकी रेसिपीज भी देखा करें, वो भी बहुत अच्छी है, इजी है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं बनाता मैं, और वो चीज़ें बनाता हूँ जो आपके घर में यूज़ होती हैं। ये हमारे सैलड जो है, बाकी रेसिपीज हैं हमारे होटल्स में चलती हैं, इसलिए मैं बनाता हूँ कि आपको पता भी चले होटल्स में क्या है और आपको फ्लेवर्स का पता चले। ये मैंने ऑलिव ऑयल की गार्निश कर दिया ऊपर मैंने गार्निश के लिए पार्सले लगा दिया। बहुत ज़बरदस्त है जी, थैंक यू सो मच। देखें जी लुक चेक करें, जब ऐसी चीज़ आप बनाएंगे, आपके घर में गेस्ट आएंगे, रखेंगे सामने, तो फिर गेस्ट तो बिल्कुल खाएंगे और तारीफ़ करेंगे आपकी कि किसने बनाया, और माशाल्लाह आप लोग तारीफ़ के हकदार होंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है, मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। ये देखें क्रीमी रिच फ्लेवर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।